तमिलनाडु में वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, सीडीएस विपिन रावत बीते सवार 8 लोगों की मौत की खबर। तमिलनाडु के सीएम जाएंगे वेलिंगटन हॉस्पिटल, यहीं भर्ती हैं सीडीएस विपिन रावत। धरने पर बैठे सांसदों से कई नेताओं ने की मुलाकात, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले साथ बैठेंगे, कल के बारे में लेंगे फैसला। कुन्नूर में हुए हादसे में नेताओं का बयान आया सामने, राहुल गांधी, नितिन गडकरी समेत तमाम नेताओं ने हादसे पर जताया दुख। डॉक्टर सुकेश जाधव का निधन, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड निर्माण में निभाई थी अहम भूमिका। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। ऋषिकेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऋषिकेश में युवा वर्गों में जोश देखने को मिल रहा है। इसका परिणाम इसी बात से लगाया जा सकता है कि युवा बड़ी संख्या में बीएलओ से संपर्क कर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रहे हैं। यही वजह है कि ऋषिकेश विधानसभा में उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा युवाओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़कर अपनी जगह टॉप 5 में बना ली है। तहसील प्रशासन ने यह दावा किया है कि जल्द से जल्द और युवाओं का नाम वोटर लिस्ट से जोड़कर उत्तराखंड के अंदर नंबर 1 के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया जाएगा। अभी 30 नवंबर को ही जो स्पेशल समरी रिवीजन की हमारी ड्राइव थी वो समाप्त हुई है, परंतु अभी भी हमारा वोटर रजिस्ट्रेशन पे काफ़ी ध्यान है, काफ़ी अटेंशन है। हमारा पिछला 1-2 महीना इसी पे फोकस रहा है कि मैक्सिमम वोटर्स को, स्पेशली जो 18 से 19 ग्रुप के बच्चे हैं, उनको हम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकें। इसमें हमारे द्वारा, तहसील प्रशासन द्वारा, अनेक विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में बहुत ही पर्टिकुलर कैंपेन्स चलाए गए हैं। यहाँ पर जाके हमने बच्चों को रोप इन करके उनका रजिस्ट्रेशन कराया है। साथ ही हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो फॉर्म 6 जो अभी तक प्राप्त हुए हैं वो पूरे राज्य में टॉप 5 में भी हैं। तो हमारी सबसे यही अपील है कि 18 से 19 साल के जो बच्चे, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो यदि कोई छूट गए हैं तो शीघ्र ही अतिशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इसके अतिरिक्त भी जो लोग हैं जो शिफ्ट हो गए हैं या मूव हो गए हैं या फिर जिनको अपना एड्रेस चेंज करने की आवश्यकता है, वो भी संबंधित फॉर्म में अप्लाई करके, अपने बीएलओ से संपर्क करके अपना नाम वोटर लिस्ट पर जरूर। बुग्गावाला थाना क्षेत्र में तेलपुरा गांव में एक ग्रामीण के पशुशाला में गुलदार के घुस जाने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद दहशत में आए परिवार ने शोर मचा दिया। ग्रामीणों की भीड़ भाड़ मौके पर पहुंची, ग्रामीणों ने तुरंत ही बुग्गावाला थाना पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। वहीं पुलिस के साथ ही मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची, जिसके बाद गुलदार को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घंटों रेस्क्यू चलाने के बाद में वन विभाग की टीम ने गुलदार को पिंजरे में कैद करने में सफलता हासिल कर ली, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कांग्रेसी भड़क गए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश में रेलवे रोड पर आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया के का जो पुतला फूका, चेतावनी दी गई कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने गलत बयानबाजी को लेकर जुबान पर लगाम नहीं लगाते हैं तो कांग्रेस मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी स्वतंत्र है। कांग्रेस नेताओं ने उत्तराखंड की जनता को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे वादों का भी उन्होंने सवाल निशान अब खड़े कर दिए हैं। कहा कि दिल्ली में 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल वहां सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी घोषणा उन्होंने दिल्ली में की थी। आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के दिनेश मोहनिया जी, उनके द्वारा जो है उनको अपशब्द कहे गए, जिसकी जो है कांग्रेस पार्टी घोर भर्त्सना करती है। और ये जो आम आदमी पार्टी है वो उत्तराखंड में भी भाजपा के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है, और जो दलित विरोधी है वो काम, जैसे भाजपा दलित विरोधी है वैसे आम आदमी पार्टी में उत्तराखंड में जो है दलित विरोधी कार्य कर रही है, इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। और इसी कारण जो है हमारे द्वारा ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। आप 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम हर 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को 1000 रुपये देंगे। आप बताइए, दूसरी बार आप दिल्ली के सीएम बने, आपने दिल्ली में दिया? ये जो उत्तराखंड की बोली वाली जनता को ये भड़का करके भाजपा की बी टीम के रूप में जो काम हो रहा है, आप जो घोषणा कर रहे हैं पहले उनको दिल्ली में करिए जहां पर आप स्वयं सीएम हैं। और
अन्ना हजारे जैसा व्यक्ति गांधीवादी, देश का सबसे ईमानदार व्यक्ति जिसने कहा था लोकायुक्त की स्थापना हो, जब इन लोगों ने उनको ठग लिया तो आप समझ लीजिए जनता को ठगने में कितनी देर लगेगी। तो यहाँ ठगने के लिए आए और ये हमारे चुनाव में कहीं मुख्य धारा में नहीं है। ये वोट काट के चाहते हैं कि कहीं वोट कटें और भारतीय जनता पार्टी जीते। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजपाल खरोला ने बयान देते हुए जानकारी दी, जहां पर खरोला ने बताया कि आज ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में 11 दिवसीय मतदाता जागरूकता अभियान के पांचवें दिन की पदयात्रा के कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया गया। खरोला ने कहा कि मतदान करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है, यह एक महापर्व की भांति है जिसके माध्यम से सभी धर्म जाति समुदाय के द्वारा चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकारी कार्यों और योजनाओं का निर्धारण करते हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से घर घर पदयात्रा चलाई जा रही है। ये हम 11 दिन से ऋषिकेश विधानसभा की पदयात्रा का कार्यक्रम हमने बनाया है, तो आज उसका छठा दिन है और पूरी विधानसभा में सुबह हम ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, शाम को हम नगरीय क्षेत्र में होते हैं और हम सब लोगों के पास जाकर के, आम जनता के पास जाकर के ये बात कह रहे हैं कि आखिर पिछले 15 सालों में ऋषिकेश विधानसभा वासियों को क्या मिला। ये सबसे बड़ा सवाल है। ऋषिकेश के जो आज वर्तमान में विधायक हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं और वो अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में हर बार ये कहते हैं कि त्रिवेणी घाट में गंगा की अविरल धारा को लाएंगे, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाएंगे, एक नया डिग्री कॉलेज बनाएंगे, संजय झील बनाएंगे, हम ट्रांसपोर्ट नगर बनाएंगे, एक खेल का स्टेडियम बनाएंगे। अगर ये बनाएंगे 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 कब तक बनाएंगे? एक भी वादा ऐसा नहीं है जो पूरा हुआ हो। आज भी ऋषिकेश विधानसभा के 70% एरिया ऐसे हैं जहां पर सिविर लाइन नहीं है, जहां पेयजल की सुविधा नहीं है और ये कह रहे हैं हम सब कुछ काम कर रहे हैं, सारे काम कर लिए हैं। सड़कों के इतने बुरे हाल हैं कि आदमी को समझ में नहीं आता है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। हर सड़क खुदी हुई है, हर जगह टूटी हुई है, हर जगह धूल मट्टी कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है लेकिन आप जा कर के देखिए ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर के क्षेत्रों को, हर जगह कूड़े के बड़े बड़े ढेर पड़े हैं। ऋषिकेश में सबसे बड़ा कूड़े का जो ढेर है वो आज भी वैसी हालत में है जैसा आज से 15 साल पहले था। सितारगंज में मच्छरों के प्रकोप से बचाने और डेंगू की रोकथाम के लिए कीटनाशक युक्त मच्छरदानी वितरित करनी शुरू कर दी गई है। गरीब बस्ती में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की तरफ से मच्छरदानियों का वितरण किया गया है और डेंगू से बचाव के लिए इसकी आवश्यकता के बारे में भी जानकारी दी गई। रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्य रवि रस्तोगी ने कहा कि क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा मच्छरदानी के मुफ्त वितरण की व्यवस्था की गई है। मच्छरदानी किशोर, विकलांग, विधवा और बुजुर्गों को दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मच्छरदानी का उचित प्रयोग करें। अभी हम उसके बाद भी हम बात कर लेंगे और हमारी जो बहनें बैठी हैं उनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने के लिए हमने इनको आश्वासन दिया है कि जनसंघ मोर्चा उनको पूरा समर्थन हमारा है, उनका जो मांग है उसको पूरी कराने के लिए हम बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमने विकास नगर में टेक होम राशन की निविदा प्रक्रिया को जल्द ही संपन्न कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि सहायता समूह से जुड़ी बहनों की तरफ से समस्याओं को लेकर 16 दिनों से धरना दिया जा रहा है। आंदोलन का नेतृत्व कर रही कल्पना बिस्ट ने कहा कि टेक होम राशन की निविदा प्रणाली के जरिए छोटे छोटे समूह के को भी पूंजी में रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे और स्थानीय स्तर पर भी महिला समूह को रोजगार मुहैया हो सकेगा। मांग पूरी नहीं हुई है और धरना भी हम वो नहीं कर रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं, इसको स्थगित कर रहे हैं 16 दिन से। जैसा कि बंधु आपको मालूम है कि हम 16 दिन से दिन रात के धरने पे थे, इस बीच में इतनी ठंड और सभी ने हमारा लोहा माना, सभी का कहना था कि इतनी ठंड में, अभी बीच में बारिश भी हुई थी, इतना तूफान चला, हम लोगों ने कैसे रातें गुजारी हमें भी मालूम है, कई बार तो हम आंखों आंखों में गुजार देते थे। परंतु देखिए प्रशासन को हम हमेशा बात करते रहते थे, अपनी सीडीओ मैम से भी हमने कल बात की है और डीपीओ सर से भी हमारी बात होती रहती थी, तो उनका तो यही आश्वासन है कि हो रहा है, प्रक्रिया शुरू कर दी हमने। पर हमारा यही कहना था कि हमें लिखित आदेश दीजिए, तो उन्होंने हमें ये लिखित आदेश हमें दिया है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो हमने आवेदन दिए थे उसकी स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है और 13 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद वो लॉटरी से हमारा जो भी है नए जितने भी हम, यदि नहीं होता है तो फिर हम लोग और बल थल के साथ
क्योंकि जनसंघर्ष मोर्चा के हमारे रघुनाथ भाई जी ने भी हमारा पूरा साथ दिया है, बीच में वो आए थे, उन्हीं के आश्वासन से हमें उन्होंने भी प्रशासन में बात की और उन्हीं के विश्वास पे हम लोग और प्रशासन के विश्वास पे हम लोग उठ रहे हैं। और यदि कल प्रशासन हमारे साथ छल करता है, झूठ बोलता है और कुछ टाल मटोल करता है तो हम और आक्रोशित। कलियर विधानसभा में ग्राम माजरी पर गुम्मावाला में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, बीजेपी नेता और वरिष्ठ समाज सेवी मुनीश सैनी के प्रस्ताव पर उत्तराखंड सरकार की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें विधवा पेंशन और विकलांग प्रमाण पत्र बनाए गए। इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उत्तराखंड सरकार ने योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी ने कहा कि इस तरह के कैंपों का आयोजन लोगों में जागरूकता पैदा करता है और सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उससे लोगों को लाभान्वित किया जाता है। उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं वह भारत के अंतिम छोर में बैठे व्यक्तियों तक पहुंचनी चाहिए। हम लोग तो पहले से ही विकास के लिए कटिबद्ध रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर समय विकास करती है और सबका विकास करती है। वो किसी बिना किसी द्वेष के, बिना भेदभाव के विकास कार्य कराती है और पहले से चलते रहते हैं। और अगर हम लोग जो चुनाव के समय में लगाते तो जो भाई हमारे इनसे जो लाभान्वित नहीं हुए थे तो हम लोगों को कैसे पता चलता? जब आदमी पहले से ही विकास करता हुआ आता है तभी तो उसे पता चलता है कि 5 आदमी 10 आदमी 100 आदमी या इतने आदमी हमारे अभी इसका लाभान्वित नहीं हुए। उसी क्रम में तो हमने इसको लगाया। महिलंदौरा में एक ईंट भट्टे के उद्घाटन में पहुंचे गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि ईंट भट्टा मालिकों की जो भी शिकायतें हैं उनको जल्द ही सीएम से मिलकर दूर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साल 2024 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग भी शुरू हो जाएगा। सरकार ने 24,000 नौकरियां भी निकाली हैं। राज्य सरकार ने इंटर और हाई स्कूल में करीब 2,00,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट देने का भी वादा किया है। उन्होंने गन्ना किसानों के पुराने बकाया पर कहा कि मामला अभी न्यायालय में है। मिलों को निर्देश दे दिए गए हैं कि 15 दिनों में किसानों के गन्ने का भुगतान किया जाए, जिस पर अमल करते हुए मिलों को भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। नए ईंट भट्टे की शुरुआत की है, उसके शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक नए उद्योग की शुरुआत यहाँ पर की। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरा दो तीन समस्याएं इससे जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं इस उद्योग से उनकी थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिल सकते हैं और जो परेशानी इस उद्योग के सामने है उसका निराकरण कैसे। उच्च न्यायालय नैनीताल ने जिला उधम सिंह नगर और नैनीताल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीबी मानकों के खिलाफ संचालित स्टोन क्रैश मामले में जनहित में याचिका सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन एस धानिक खंडपीठ ने जिला अधिकारी को 1 महीने के अंदर याचिकाकर्ता के आरोपी की जांच करके अवैध खनन को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। गांव गजरौला के हंसराज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके अवैध खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं पर्यटन विभाग ने सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और वेदशाला का जीर्णोद्धार किया, जिसका आज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लोकार्पण किया। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन और शहर के राजनीतिक सामाजिक लोगों को आमंत्रण नहीं देने के कारण खास आक्रोश भी देखने को मिला और पर्यटन मंत्री के सामने ही स्थानीय लोगों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। लोकार्पण समारोह में पहुंचे प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मील का पत्थर साबित होगा और पर्यटन विभाग ने इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोने का कार्य किया है। सबसे अच्छी बात है कि जॉर्ज एवरेस्ट सिंह को याद आया, आज याद आया, इतने सालों बाद याद आया और 24 करोड़ रुपए की बर्बादी में आज देख रहा हूँ कि 24 करोड़ रुपए यहाँ लगे, कहाँ लगे, किस बात पे लगे हैं ये मेरी समझ नहीं। राज उद्घाटन किया, मैं अभी होटल एसोसिएशन से पूछ रहा था, वो भी गर्दन हिला रहे हैं कि हाँ बुलाया था या नहीं बुलाया था। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है सरकार की और माननीय मंत्री जी की भी, और माननीय मंत्री जी के विभाग की सबसे बड़ी वो है कि मसूरी में जो नगर पालिका प्रथम व्यक्ति जो मसूरी का नगर पालिका का है
जिसके अंडर में ये सड़क आती है, सब कुछ आती है। ये सड़क हमने बनाई थी पहले नगर पालिका ने जब हम अध्यक्ष थे, और उस तक को निमंत्रण नहीं है। स्थानीय किसी राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति को निमंत्रण नहीं है तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर स्थानीय लोग इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो कौन व्यक्ति आएगा, इनके प्रचार प्रसार से आ जाएगा। आज सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का आवासीय परिसर का और जो उनकी वेधशाला थी, ऑब्जर्वेटरी थी, उसका लोकार्पण किया गया। ये सब कार्य जो हैं 16,46,86,480 में ये पूरे किए गए हैं, और ये एक मैं समझता हूँ कि मसूरी के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण रहेगा कि लोग यहाँ जॉर्ज एवरेस्ट ने जो ग्रेट आग को नापा था और जो यहाँ से माउंटेन पीक्स को नापा था, तो ऐसे स्थल में वो आकर के उनके घर को देख सकेंगे, उनके रहन सहन को देख सकेंगे, और यहाँ की जो सुंदरता है, सारी हिमाच्छादित आप चोटियों को देख रहे हैं तो अपने आप में विराट दृश्य हिमालय का यहाँ से दृष्टिगोचर होता है। और निश्चित रूप में जो काम सर जॉर्ज एवरेस्ट ने किया बहुत अद्भुत कार्य था। हरिद्वार के नजीबाबाद हाईवे के लाल ढांग मीठी बेरी मार्ग पर अचानक जंगली हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया, जिसके बाद सड़क पर चल रहे हाथी वाहनों के पीछे दौड़ने लगे, जिसका वीडियो भी एक कार संचालक ने बना लिया। हालांकि इस घटना से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन हाथियों के सड़क पर आने से आधा घंटे तक वाहनों की रफ्तार धीमी रही। मौके पर मौजूद स्थानीय निवासियों ने बताया कि जंगली जानवरों का कॉरिडोर होने के कारण आए दिन क्षेत्र की सड़कों पर जंगली जानवर देखने को मिल जाते हैं। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक से नैनीताल के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के सीवरेज प्रोजेक्ट का रास्ता साफ होने से चुनाव से पहले सरकार की यह बड़ी सौगात है। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से नैनीताल के 20 से अधिक कमरे वाले होटल कारोबारियों को निजी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बाध्यता भी समाप्त कर दी जाएगी। नैनीताल में सीवर लाइन दशकों से पुरानी हो चुकी है। आधे हिस्से की 70 से अधिक दशक के आधे से 1985 के आसपास की बताई जा रही है। पुरानी लाइन होने के कारण रोज एक दर्जन के करीब की सीवरेज चोक होने या फटने की शिकायतें हैं वो सामने आती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी निकायों से 5 साल के भीतर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का आदेश पारित किया है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।